देख चाहिए, हिंदी भी देखता है, डर लग रहा है ना हिंदी से, अभी डर दूर कर देंगे। और जो राइट ब्रेन है ये वाला, अरे ये तो बड़ा फ्रेंड होता है आपका, वो मालूम ये क्या करता है, ये डांस करता है, इसे डांस होता है राइट ब्रेन से, और क्या होता है इसे पेंटिंग होती है, यस राइट पेंटिंग। देखिए ये प्रोग्राम जो यहाँ पे कराया जा रहा है ये ओशो धारा सादर केंद्र रजौरी में कराया जा रहा है, जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे कराया जा रहा है। तो इसका नाम है बालोत्सव प्रज्ञा। तो बालोत्सव प्रज्ञा प्रोग्राम बच्चों की ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें कि बच्चों की एजुकेशनल जो ग्रोथ है उसके साथ साथ उनकी विजडम, उनकी स्पिरिचुअलिटी प्लस बैलेंस ग्रोथ और स्ट्रेस फ्री लिविंग जो है आज की टाइम की प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे ओवर बर्डन हैं, वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एजुकेशन तो चलती रहती है लेकिन इसी चक्कर में उनका बहुत सारा जो मेन पार्ट वो नेगलेक्ट हो जाता है, वो क्या है कि कैसे काम और पीस के साथ पढ़ना है और एक उत्सव के साथ कैसे करना है। तो इस प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर हैं वो चार दिन में हम ये जो कराएँगे, एक तो बच्चों के मैनर्स और एटिकेट्स जो होते हैं वो सिखाए जाएंगे, उसका एक अलग से सेशन रहता है जो चारों दिन चलेगा। दूसरा इसमें आ जाएगा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल प्रोग्राम है, जैसे कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई स्किट होगा या इस तरह से, जो हमारे ट्रेनर्स हैं जो सेंट्रल आश्रम से आए हुए हैं वो उनको अच्छी तरह उसमें सिखाएंगे। और तीसरा फिर इसका रहा कि एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, जो कि एक हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जाके जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस जो बच्चों पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि वो उनकी बने, क्योंकि नियमित रूप से हमारा जो 10% ब्रेन ही एक्टिव होता है, जो 90% ब्रेन हमारा एक्टिव नहीं होता। तो उस 90% ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए एक्टिव टेक्निक्स है, जो पहली बार J&K में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ करा रही है, तो बहुत ही सशक्त और स्ट्रांग विधि है वो। उसमें कुछ टेक्निक्स हैं इंक्लूडिंग म्यूज़िक एक्सरसाइज और काफ़ी कुछ है जो यहाँ पर डेली उनके 3 घंटे का वो मिड ब्रेन एक्टिव सेशन जो होता है वो रहेगा, वो चारों दिन वो चलेगा। तो उसको अगर फॉलोअप किया जाए बच्चों के इंटेलिजेंस कई गुना और कई गुना बढ़ जाती है, और ख़ासकर जो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ और भी कुछ 7-8 प्रोग्राम जो ओशो धारा देती है, जैसे कि आचार्य जी ने बोला, तो उसमें से एक पार्ट रहता है अनंत प्रज्ञा। तो अनंत प्रज्ञा जो हमारे यहाँ पर इस आश्रम में साल में हम 3 बार कराते हैं, तो जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो तो वो यहाँ पे बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं और वो आश्वस्त होगा। हमारा बाल प्रज्ञा प्रोग्राम है, इसमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन हमारा मेन है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से क्या है कि बच्चे, एक तो इनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और स्टडी में इनको खूब फ़ायदा होता है, इंट्यूशन पावर बढ़ती है, क्रिएटिविटी में जाते हैं ये बच्चे, और साथ ही साथ इनका है कि हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें ऐड है, सेशन रहता है आर्ट ऑफ लिविंग ब्लिसफुल लाइफ, कैसे बच्चे टेंशन फ्री रह सकते हैं, इतना स्ट्रेस है बच्चों पर पढ़ाई को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर, तो वो कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है। और साथ ही मेडिटेशन भी करवाई जाएगी जिसमें बच्चे अपने अंदर के जो है पीसफुल लाइफ को भी जी पाएंगे। तो जहाँ बात हो रही थी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में, ये ध्यान और योग का कॉम्बिनेशन है, तो उनके बारे में उनको बताया जाएगा। अभी प्रणाम से आया हूँ, मुझे पता चला था कि मेरे दोस्त ने, उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम चल रहा है बाल प्रज्ञा, तो बच्चों के लिए जो स्पेशली प्रोग्राम है, तो इसके बारे में मुझे पता चला, तो मैंने भी बच्चों को लिया और पहुँच गया इधर, तो इधर आकर बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम चल रहा है जो बाल प्रज्ञा प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कि जो मैम